हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। मेरे पास में कुछ कमेंट आ रहे थे कि घी कब से खाना चाहिए हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, घी स्टार्ट करना है तो कब से स्टार्ट करना है और पूरी प्रेगनेंसी में क्या हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी में जब हम घी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण हमें नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कब से घी स्टार्ट करना चाहिए और पूरी प्रेगनेंसी में कब से आपको घी खाना स्टार्ट करना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि घी हमें प्रेगनेंसी में कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि आपको जैसे ही आप कंसीव करते हो, जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको घी तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम प्रेगनेंसी में घी खाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट बढ़ता है और हमारे बच्चे का भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट बढ़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका फैट जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वांटिटी में जब हम घी खाते हैं तो उससे फैट नहीं, आपको अपने खाने से ताकत मिलती है, आपको घी से ताकत मिलती है, ना कि वो फैट बढ़ता है। फैट आपका जब बढ़ेगा जब आप ओवर घी खाओगे, जब से आप प्रेग्नेंट होते हो, जब से आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तब से आपको डेली एक चम्मच जैसे रोटी में घी लगा लिया, इस तरीके से खाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पूरी प्रेगनेंसी घी खाना चाहिए, ओवर ना खा के आप सिर्फ और सिर्फ जैसे रोटी में लेते हो या कभी मन कर गया तो जैसे सब्जी में डाल लिया, इस तरीके से आप खा सकते हो। बट कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको घी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको बिल्कुल भी घी नहीं खाना चाहिए और आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, उनसे कंसल्ट करके ही आप कोई भी मेरी राय लीजिएगा। तो ऐसा है, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको घी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको दूध में घी डालकर पीना अवॉइड करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर आप गर्म दूध में घी डालकर पियेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपको कब्ज में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको घी अवॉइड करना चाहिए। दूध में घी ना डालकर आप नॉर्मली खा सकते हो। दूध में घी डालकर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे अदर आप क्या कर सकते हो, आपकी आप रोटी पर घी लगाकर खा सकते हो, सब्जी में घी डालकर खा सकते हो, अदर तरीके से आप घी का इंटेक कर सकते हो। अवॉइड कीजिए दूध में घी डालकर पीने को। ये तो हो गई कि हमें प्रेगनेंसी में घी कब से स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहते हो तो आपको घी कब से स्टार्ट करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आप घी ले सकते हो। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहते हो तो आपको 9th मंथ के, जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, वैसे ही आपको घी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। नॉर्मली आप रोटी में खाते हो, सब्जी में डालकर खाते हो, बट आपको अब घी दूध में डालकर पीना है। आप जैसे स्टार्टिंग में एक चम्मच कीजिए मॉर्निंग और इवनिंग में, या लेट नाइट जब आप भी सोते हो उस टाइम पे लेते हो, बट 2 चम्मच आपको स्टार्ट कर देना है दूध में घी डालकर। तो इस तरीके से आप अपना घी का इंटेक बढ़ा सकते हो। आपके चाहने से नॉर्मल डिलीवरी और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को, दोनों को माइंड में रखते हुए आप इस तरीके से घी का इंटेक बढ़ा सकते हो अपना। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।